आज की वीडियो में हम सीखेंगे ठाट भैरव की अलंकार। मैं हूं प्रदीप कुमार फाइक, संबलपुर जिला ओडिशा के निवासी बंसी का एक छोटा सा कलाकार जो आपको बंसी वादन सिखाने की दुस्साहस करता हूं। अगर गलती से भी कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। स्वागत करता हूं मेरे और आपके चैनल प्रदीप कुमार फाइक द म्यूजिक पर, जहां पर मिलता है म्यूजिक रिलेटेड कई सारी लर्निंग वीडियो, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। अगर आप म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं, संगीत सीखना चाहते हैं, बांसुरी वादन सीखना चाहते हैं, कीबोर्ड बजाना सीखना चाहते हैं, हारमोनियम बजाना चाहते हैं और इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और साइड में है बेल आइकॉन उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठाट भैरव में जो कोमल स्वर है वो है कोमल रे एंड कोमल धा। जैसे कि आप जानते हैं, मैं मेरे चैनल में पहले से भी ठाट के बारे में वीडियो डाल चुका हूं। जैसे कि 10 ठाट होते हैं, उन 10 ठाटों में से एक ठाट है ठाट भैरव। इस ठाट भैरव में रे और धा स्वर कोमल लगते हैं। रे धा कोमल स्वर को बांसुरी में कैसे आसानी से बजा पाएंगे पहले ये जानते हैं। देखिए दोस्तों, यह है सा रे गा मा पा धा नी सा। ये आपके साथ डिस्कस करने के लिए मैं स्केल लिया हूँ सी शार्प के, ये फ्लूट भी है सी शार्प के। दोस्तों ये है पीवीसी पाइप के फ्लूट है, ये फ्लूट मैं खुद ही बनाया हूँ। ये सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सा है, ये शुद्ध रे है। इस रे को हम थोड़ा सा इधर से खोलेंगे तो बनेगा कोमल रे। सा रे गा मा पा, ये है धा की होल, धा की होल को हम थोड़ा सा क्लोज करेंगे, 20% को ओपन करेंगे तो जो स्वर निकलेगा ये बनेगा कोमल धा। आपको मालूम हो गया सा रे गा मा पा धा नी सा। सरगम में अगर हम रे धा स्वर को कोमल लगाएंगे ये हो जाएगा भैरव ठाट। आज हम इस भैरव ठाट के अलंकार को बंसी में प्रैक्टिस करेंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा आरोह सानी धापा मा गा रे सा अवरोह। कैपिटल लेटर मीन्स यह है शुद्ध स्वर, स्मॉल लेटर मीन्स यह कोमल स्वर। पहले जानते हैं सारे गामा पादा निशा कैसे भैरव में कैसे साउंड निकलता है। पहले सा को तानपुरा के सा के साथ मिलाएंगे, आपका फ्लूट जो स्केल का है उसी स्केल उसी स्वर को तानपुरा में दीजिए, तानपुरा के साथ अपने फ्लूट को मिलाइए। अगर सा ठीक तरह से नहीं मिलेगा सारे स्वर बेसुरा निकलेंगे। अलंकार जो हम शुद्ध स्वर में करते हैं प्रैक्टिस, उसी अलंकार को हम
रे धा कोमल करके हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। रे धा पहले स्लो स्लो प्रैक्टिस कीजिए दोनों रंग का। बांसुरी बजा के गा के बताना ये इतना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि बांसुरी में बजाते समय सब हवा निकल जाता है। दो नंबर अलंकार गया, अब तीन नंबर अलंकार देखिए। ये थे तीन नंबर अलंकार, अब चार नंबर अलंकार देखिए। साधा नीपा धामा पागा मारेगा सा। मैं आपको गा के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं अगर आप मेरे चैनल में मेरे वीडियो देख रहे हैं तो, क्योंकि मैं सेम टाइप का अलंकार देता हूँ स्वर बदल बदल के। अब देखते हैं लास्ट वाला अलंकार। चार चार स्वर के अलंकार, सा रे गा मा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा नी धा पा नी धा पा मा गा पा मा गा रे मा गा रे सा। आपको इस अलंकार की नोटेशन डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करके अब प्रैक्टिस कीजिए धीरे धीरे। पहले स्लो स्लो प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद बीट में कोई भी बीट दे के उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बीट मतलब आठ मात्रा के बीट, नहीं तो त्रिताल की बीट। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं। आशा करता हूँ आप इसे प्रैक्टिस करेंगे वेदा कौन सुर। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं दूसरा एक सुंदर सा वीडियो में। तब तक मुझे विदा दीजिए। जय हिंद।